फिल्म की शुरुआत में हमें 1980 का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर बांध रहा होता है, जिसके बाद वो बच्चा एक मुर्दा घर के बाहर पहुंचता है और वो देखता है कि यहाँ पर जो उसने पहले न्यूज़पेपर डाले थे उनको अभी तक किसी ने नहीं उठाया है। इस पर फिर वो अपना कैमरा लेकर उस मुर्दा घर के दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश करता है, जहाँ फिर उसे किसी की दो आंखें दिखाई देती है जिससे वो एकदम डर जाता है और तभी वो दरवाजा खुल भी जाता है और अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डार्क होता है और वो बहुत ही अजीब लग रहा होता है, जिसे देखकर वो बच्चा डर के मारे अपना कैमरा वहीं छोड़कर भाग जाता है। जिस कैमरे को डार्क एक जगह रख देता है जहाँ पर और भी लोगों के सामान रखे हुए थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि डार्क एक मोर्टिशियन है जो कि लोगन नाम के एक बच्चे का फ्यूनरल करता है जिसमें काफी लोग आए हुए थे। अब फ्यूनरल के बाद वहाँ पर सैम नाम की एक लड़की आती है जो कि यहाँ पर नौकरी के लिए आई थी, क्योंकि उसे मुर्दा घर के बाहर वांटेड का बोर्ड दिखा था, जिसके बाद सैम उस मुर्दा घर के कलेक्शंस को देखने लगती है, जिसमें उसे कुछ अलग अलग किताबें दिखाई देती है जिसके बारे में उसे डार्क बताते हैं कि इन सब किताबों में उन सभी लोगों की सच्ची कहानियां हैं जो कि मर चुके हैं। जिस बात को सुनकर सैम उनसे कहानी सुनाने के लिए कहती है और ये भी कहती कि वो उसे सिर्फ वही कहानियां सुनाए जो बहुत ही ज्यादा डरावनी हो। इस पर फिर डार्क उसे पहली कहानी सुनाना शुरू करते हैं, जिसमें हमें 1925 का समय दिखाया जाता है, जहां पर एक पार्टी के दौरान एक औरत को हम देखते हैं जो फिर रेस्टरूम में चली जाती है, जहां वो अपने पास से कुछ वॉलेट्स निकालती है जिन्हें उसने वहां के लोगों की पॉकेट मारकर चुराया था। वो औरत फिर जैसे ही रेस्टरूम में जाकर वहां की स्विच से लाइट ऑन करती है तो उसके हाथ में एक अजीब सा चिपचिपा पदार्थ लग जाता है, जिसको नजरअंदाज करके वो औरत सबके वॉलेट्स में से पैसे निकालने में व्यस्त हो जाती है, जिसमें से एक वॉलेट किसी डॉक्टर कुबलर का होता है। फिर सारे पैसे लेने के बाद उस औरत की नजर पास ही की अलमारी पर पड़ती है, जिसे वो खोलने की कोशिश भी करती है पर वो अंत में नहीं खोल पाती। लेकिन वो किसी तरह उसको जब खोल कर देखती है तो उसके अंदर एक अजीब सा क्रीचर होता है जिसके बहुत सारे टेंटेकल्स होते हैं, और फिर वो क्रीचर उस औरत को अंदर घसीट लेता है और अपने टेंटेकल से वहाँ की बिजली भी ऑफ कर देता है, जिससे अब हम समझ पाते हैं कि उस प्लग में वो चिपचिपा लिक्विड कैसे लगा था, जिसका यही मतलब है कि ऐसे ही इस क्रीचर ने यहाँ पर और भी लोगों को मारा होगा, जिसके बाद ये पहली कहानी यही समाप्त हो जाती। अब कहानी खत्म होने के बाद सैम कहती है कि ये कहानी ठीक तो थी लेकिन आप मुझे और भी ज्यादा डरावनी कहानी सुनाइए। इस पर फिर बातों ही बातों में डार्क सैम से एक जॉब अग्रीमेंट पर उससे साइन लेता है और अब उसको पूरा मुर्दाघर दिखाते हुए दूसरी कहानी शुरू करता है जो कि 1960 के समय की थी, यानी कि पहली वाली कहानी के 10 साल बाद, जहाँ पर हमें एक कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ हम जेक नाम के लड़के को सैंड्रा नाम की लड़की से एक पार्टी में मिलते हुए देखते हैं। अब पार्टी में दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों इंटीमेट भी होते हैं, जहां पर जेक सैंड्रा से झूठ कहता है कि उसने प्रोटेक्शन इस्तेमाल की है। फिर अगली सुबह जेक देखता है कि उसके शरीर में अजीब से रैशेस हो गए हैं, जिसको वो तुरंत डॉक्टर कुबलर को दिखाता है, जो डॉक्टर कुबलर वही थे जिनके वॉलेट को पहली कहानी के दौरान एक औरत ने चुराया था। अब यहाँ डॉक्टर कुबलर को जेक के पेट से अजीब सी आवाजें आती है और टेस्ट के बाद पता चलता है कि जेक प्रेग्नेंट है। अब इस बात से जेक के साथ कुबलर भी हैरान हो जाते हैं। फिर जेक अपने सवालों का जवाब पाने के लिए सैंड्रा के घर जाता है और उससे पूछता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, और अब हम यहाँ साफ देख पाते हैं कि जेक का पेट अचानक से बढ़ रहा था। यहाँ पर फिर सैंड्रा उल्टा जेक पर गुस्सा करती है कि मैंने तुमसे प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने के लिए कहा था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, और फिर सैंड्रा गुस्से में वहां से बाहर चली जाती है, जिसके बाद सैंड्रा के माता पिता जेक को एक टेबल पर लेटाते हैं, जहां फिर जेक के प्राइवेट पार्ट के साथ साथ उसका पेट भी फट जाता है, जिससे बेचारे जेक की मौत हो जाती है, जिसके बाद हम उस बच्चे को देखते हैं जो किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था, और उस बच्चे को लेकर सैंड्रा की माँ ऊपर के कमरे में जाती है, जहां पर ऐसे ही और भी ढेर सारे बच्चे होते
होते हैं और फिर ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब इस डरावनी कहानी को सुनकर सैम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि उसे ये कहानी बहुत पसंद आई थी। फिर डार्क सैम को मुर्दा करके बेसमेंट में ले जाते हैं और उसे तीसरी कहानी सुनाना शुरू करते हैं, जिसमें हमें 1970 का समय दिखाया जाता है, जहां हम वेंडल और कैरल को देखते हैं जिनकी नई नई शादी हुई थी। पर शादी के तुरंत बाद अचानक से कैरल बीमार पड़ जाती है, जो कि अब कोई भी हरकत नहीं कर पा रही थी, इसलिए हर काम के लिए कैरल वेंडल पर निर्भर हो जाती है। इसके बाद फिर वेंडल भी कैरल का ख्याल रखते रखते थक जाता है और उसकी ये हालत देखकर डॉक्टर कुबलर उसको एक राय देते हैं कि उसे अपनी बीवी को पेन किलर का ओवरडोज देकर मार देना चाहिए, क्योंकि उसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है और इस तरह उसे पेन किलर से मारने पर वेंडल भी नहीं फंसेगा। अब अगर हम गौर करें तो इस कहानी में भी डॉक्टर कुबलर हैं, जो पिछली दो कहानी में भी थे, जिसके बाद वेंडल कैरल को सूप में पेन किलर मिलाकर पिला देता है और फिर उसे एक स्टैचू गिफ्ट में देता है। लेकिन तभी अचानक से कैरल वेंडल का हाथ पकड़ लेती है, जिसे ऐसा करते देख वेंडल तुरंत उसे उल्टी करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि कैरल ने वो सूप पी लिया था और भाग्य से तब तक कैरल शायद ठीक भी हो गई थी। पर दुर्भाग्य की बात ये कि वो स्टैचू पर गिर जाती है और वो स्टैचू उसके सिर में घुस जाता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वेंडल डॉक्टर कुबलर को कॉल करके सब कुछ बताता है, जिस पर फिर कुबलर वेंडल को उस लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगाने को कहते हैं, क्योंकि वो ओवरडोज से नहीं बल्कि दुर्घटना से मरी थी, इसलिए वेंडल फंस सकता था। इस पर फिर वेंडल कैरल की लाश को एक बॉक्स में डालता है जिसमें उसका पैर नहीं आ रहा था, इसलिए वो निर्दय उसका पैर काट देता है और बॉक्स को लेकर एक लिफ्ट से जाने लगता है। पर तभी अचानक से लिफ्ट बीच में ही बंद हो जाती है और अब वेंडल को डरावने तरीके से उस बॉक्स से कई सारा खून निकलते हुए दिखाई देता है, जो कि चारों तरफ फैल रहा होता है, जिसे देखकर वो एकदम से डर जाता है, जिससे उसकी एक पड़ोसी को वेंडल पर शक होता है, इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। इधर लिफ्ट फिर से चालू हो जाती है, लेकिन वो बिना रुके ही नीचे की तरफ जाने लगती है और जब वो लिफ्ट सडनली रुकती है तो वो बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है, जिसमें से कैरल का भूत निकलकर वेंडल को जबरदस्ती किस करता है। पर तब तक पुलिस वहां आ जाती है, जो कि वेंडल को कैरल की लाश के साथ पकड़ लेती है, जिसका मतलब ये कि वेंडल अभी तक हैलुसिनेट कर रहा था और वो कुछ अजीब बातें भी बड़बड़ा रहा था, इसलिए पुलिस उसे पागल खाने भेज देती है। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हो जाती है, जो सुनकर सैम डार्क से कहती है कि आपकी सभी कहानियां बहुत ही अच्छी है, जिनमें दरअसल एक मॉरल भी है कि आप अगर किसी के साथ कुछ भी बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा, मतलब कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। जिसके बाद फिर डार्क सैम को लोगन की लाश दिखाते हैं, जिसे देखते ही सैम डार्क से बताती है कि वो यहाँ नौकरी के लिए नहीं बल्कि लोगन की लाश के लिए आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार सैम खुद को बताती है। और फिर वो डार्क को अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है, जो कुछ दिन पहले की ही बात थी। और अब हम सैम को एक घर में देखते हैं, जहां पर वो बेबी सिटिंग का काम कर रही होती है, पर तभी उसे मिसेस कुबलर का वॉइस मैसेज आता है, जो सैम से कहती है कि लोगन ऊपर अपने कमरे में है, जिसको तुम बीच बीच में जाकर चेक कर लेना और अगर भूख लगे तो डिनर बनाकर खा लेना। और फिर हम सैम को ओवन में मीट बनाते हुए देखते हैं। इधर फिर टीवी में एक न्यूज चलती है कि पास ही के एक पागल खाने से कुछ पागल भाग गए हैं, और तभी वहाँ घर के अंदर ना जाने कहाँ से एक आदमी घुस आता है, जिसकी सिर से खून बह रहा था, जिस पर फिर सैम उसकी मदद करने की कोशिश करती है और उसे फर्स्ट एड देती है, जिसकी बात सैम उस न्यूज को सुन लेती है, जो सुनने के बाद उसे उस अनजान आदमी पर शक हो जाता है कि कहीं ये उन पागलों में से तो नहीं। इसलिए अब अपने इसी शक के चलते वो उस आदमी की उंगलियों को मीट ग्राइंडर में डाल देती है, जिससे अब सैम और उस आदमी के बीच एक जबरदस्त भिड़ंत हो जाती है। लेकिन वो आदमी सैम को मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो ऊपर लोगन के कमरे में चला जाता है, पर सैम को होश आते ही वो भी वहां पहुंच जाती है, जहां पर फिर से दोनों के बीच संघर्ष हो जाता है, जिसके बाद सैम उस आदमी को सीढ़ियों से नीचे ढकल देती है, जिससे वो आदमी बुरी तरह से घायल हो जाता है। और फिर सैम नीचे आकर उस टीवी को उठाकर सैम के सिर पर पटक देती है, जिससे उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। अब कुछ देर
बाद वहाँ पर डॉक्टर कुबलर और उनकी पत्नी आती है जो उस आदमी को वहाँ मरा पाकर घबरा जाते हैं। और अब यहाँ पहला क्लाइमेक्स रिवील होता है कि असल में ये आदमी ही बेबी सीटर था और वो लड़की सैम नहीं बल्कि शार्लेट थी जो कि मेंटल असाइलम से भाग कर आई थी। साथ ही साथ वो एक साइको किलर भी थी जिसे लोग टूथ फेरी के नाम से जानते थे क्योंकि वो बच्चों की जान लेकर उनका एक दांत अपने पास निशाने के तौर पर रख लेती थी, जबकि सैम उस बेबी सीटर का नाम था जिसे शार्लेट ने मार दिया था। इधर मिस्टर कुबलर चारों तरफ लोगन को ढूंढते हैं जो उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था और तभी उन्हें ओवन से कुछ जलने की महक आती है जिसे जब वो खोलकर देखते हैं तो वो एकदम दंग रह जाते हैं। और यहाँ पर अब दूसरा क्लाइमेक्स रिवील होता है कि जो मीट शार्लेट बना रही थी वो असल में लोगन का था, मतलब कि शार्लेट साइको किलर होने के साथ साथ एक कैनिबल भी थी। और इसी तरह सैम उर्फ शार्लेट की कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है, जिसके बाद शार्लेट डार्क से कहती है कि सबके अपने अपने शौक होते हैं, तुम्हें किताबों का शौक है और मुझे अपने द्वारा मारे गए बच्चों के दांत इकट्ठा करने का। अब ये देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि इस मुर्दा घर में शार्लेट दरअसल लोगन का दांत लेने आई थी जिसे वो एक चाकू की मदद से निकाल कर उसकी लाश को जला देती है और फिर वो डार्क को भी चाकू से स्टैब करती है, जिस पर फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। और अब शार्लेट देखती है कि जहां पर उसने डार्क को चाकू से मारा था वहां से खून की जगह एक अजीब सा चिपचिपा पदार्थ बाहर निकल रहा था, जिसे देखकर शार्लेट एकदम डर जाती है और घबरा कर वहां से भागने लगती है, पर वो उस मुर्दा घर से बाहर नहीं निकल पाती। और अब ऐसा लगता है जैसे शार्लेट किसी भूल भुलैया में फंस गई हो, जहां से भटक कर वो एक लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहां पर उसे डार्क दिखाई देता है जो उसे कहता है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है। और फिर तभी हम शेल्फ से कुछ किताबों को अपने आप नीचे गिरते हुए देखते हैं जिनमें उन सभी बेगुनाह बच्चों की कहानियां थी जिन्हें दरअसल शार्लेट ने ही बेरहमी से मारा था। और अगले ही पल उन सभी किताबों में से कई सारे छोटे छोटे शैतान निकल आते हैं जो शार्लेट को पकड़ कर उसकी चमड़ी नोचने लगते हैं और उसे नोच नोच कर मार डालते हैं। लेकिन फिर डार्क शार्लेट के शरीर में टाके लगाता है और वो ही चिपचिपा पदार्थ उसकी शरीर में चढ़ाता है, जिसके बाद हम डार्क को मुर्दा घर से बाहर आते हुए देखते हैं जहां आते ही वो धूल में बदल जाता है। वहीं इधर शार्लेट को होश आता है जिसका चेहरा अजीब तरह से सिला हुआ था, जिसका मतलब ये है कि अब वो डार्क की जगह इस मुर्दा घर को संभालेगी। इसके बाद फिर मूवी के आखिर सीन में दिखाया जाता है कि शार्लेट ये सारी कहानी उस बच्चे को सुना रही होती है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में पेपर बनाते हुए देखा था, जो कि शायद वहाँ पर अपना कैमरा वापस लेने आया होगा, जिसके साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी को समझने की कोशिश करें तो दरअसल हमें इस मूवी की सभी कहानियों के द्वारा एक ही सीख दी जाती है कि अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो एक दिन तुम्हें भी उसका फल चुकाना पड़ेगा, चाहे वो शार्लेट हो या डॉक्टर कुबलर जिन्हें हमने किसी न किसी तरह सारी कहानियों में देखा। क्योंकि डॉक्टर कुबलर ने वेंडल को कैरल को मारने के लिए कहा था, इसलिए उन्हें इसकी कीमत अपने बेटे लोगन की मौत से चुकानी पड़ी। और वहीं हम उस मुर्दाघर को श्रापित समझ सकते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा बुरी आत्मा को ही वहां का मॉर्टिशियन बनाया जाता है और फिर उसको यहां पर तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक उसे कोई दूसरी और भी बुरी आत्मा ना मिल जाए। यही कारण था कि डार्क शार्लेट के चाकू मारने पर हंस रहा था और बाहर कदम रखते ही वो धूल में बदल गया, मतलब कि अब उसकी आत्मा आजाद हो चुकी है। और अब इसी तरह शार्लेट की आत्मा भी यहाँ पर अब तक कैद रहेगी जब तक इस मुर्दा को उसका नया मॉर्टिशन नहीं मिल जाता। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई और आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।